सीरीज सर्विस एक्सपीरियंस लेक्चर 12 में आपका स्वागत है। और साइंस के इस लेक्चर में ये टॉपिक है सोलर एनर्जी एंड सोलर सेल्स, सौर ऊर्जा और सौर बैटरी। ये काफी कॉमन टॉपिक है। ये इसे फर्स्ट देखेंगे आप कि सोलर एनर्जी, आपको पता है कि सन इज गिविंग अस कंटिन्यूअसली एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, प्रकाश और ऊष्मा के रूप में लगातार सूर्य हमारे पास विगत कई वर्षों से और आने वाले कई वर्षों तक देता रहेगा। आखिर सूर्य के अंदर इस ऊर्जा का क्या स्रोत है? यस, योर आंसर विल बी न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन इनसाइड दी सन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर टू गिव हीलियम न्यूक्लियस, और इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और ये सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज हियर, एनर्जी इन द सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट, द सन इज गिविंग द कंप्लीट एनर्जी, ये पूरे एनर्जी को दे रहा है, एंड दिस कंप्लीट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वर्टिकल प्लेन का यूनिट एरिया 1 स्क्वायर मीटर,
किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, रिसीव करेगा, दैट इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। नेक्स्ट कम टू सोलर सेल्स। सेल आप जानते हैं कि मार्केट से सेल लेते हैं, ड्राई सेल लेते हैं। इस ड्राई सेल में आप जानते हो कि जिंक और पता है आपको जिंक और कार्बन रहता है और उसके प्राइड जो रहते हैं वो NH4Cl रहते हैं और ZnCl जो रहते हैं। यहाँ पर क्या है, हम सूर्य से एनर्जी को लेकर के हम सोलर से बढ़ाएंगे और इसमें सेमी कंडक्टर इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? सेमी कंडक्टर इस्तेमाल होता है। इसमें पहला पॉइंट क्या है सोलर सेल में कि कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या, एक मटेरियल है आपका सिलेनियम। सिलेनियम से भी हम क्या है सौ एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, इसकी एनर्जी को भी एचसीएल में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि 0.7% ही हम सौ एनर्जी को कन्वर्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट। और नेक्स्ट क्या, अभी जो हमारा जो मॉडर्न सेल है सोलर सेल है उसकी इफिशियंसी लगभग 25% है। इफिशियंसी हम
सोलर सेल का इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर कैलकुलेटर जो हमारा होता है जिसे कैलकुलेशन करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। और सबसे खास बात मोस्ट कॉमनली यूज जो बच्चों का खिलौना होता है टॉयज, टॉयज में भी क्या है सोलर सेल का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस इसके हैं? विशेषताओं के बावजूद भी कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, पर्यावरण को डैमेज नहीं करता है। इसके बाद भी क्या क्या है? तो पहला लिमिटेशन यह है कि जैसे मैंने बताया था आपको कि सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है, वी यूज सिलिकॉन। लेकिन सिलिकॉन जो होता है जो चाहिए हमें वो स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन चाहिए, स्पेशल ग्रेड चाहिए, राइट, जो कि लिमिटेड वो सीमित मात्रा में। तो अब क्या है, अगर हमको प्योर प्राप्त करना है उसको, अगर इफ यू वांट टू गेट द प्योर सिलिकॉन नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोलर सेल या सोलर एनर्जी लेने के लिए जो प्योर सिलिकॉन हमको चाहिए वो लिमिटेड हो गया। अब प्योर प्राप्त करना है तो बहुत कॉस्टली हो गया, वेरी कॉस्टली अफेयर, काफी जो क्या है महंगा पड़ता है। और एक मैंने पहले ही बताया कि हम सोलर सेल्स को सोलर जो पैनल होता है जिसको सोलर प्लेट भी बोलते हैं उसे सोलर सेल को कनेक्ट करते हैं, उसे जो मटेरियल यूज करते हैं दैट इज वेरी कॉस्टली इन द सिल्वर, जो काफी कॉस्टली होता है। तो ये भी कॉस्ट को बढ़ाता है। और नेक्स्ट क्या है, ये जो हमें सोर्स मिलता है माइंड इट, यू गेट डीसी सोर्स। इनफैक्ट देयर आर टू सोर्स ऑफ एनर्जी, वन कॉल्ड डायरेक्ट एंड अनदर इज कॉल्ड एसी अल्टरनेटिंग। One is DC and another is called AC, right? Direct current and alternating current. ये solar energy जो है, हमारा solar cell जो होता है, ये DC देता है। फिर यहाँ पर क्या होगा? ये वैसे device जो AC पर चलेंगे, उसको DC को हमको AC में convert करने की जरूरत पड़ेगा। और इसके लिए you need a device called rectifier. तो ये भी क्या करेगा? Cost को बढ़ाएगा। तो last मैं लिखा भी यहाँ पे कि अगर टोटल समीक्षा करें तो इस तरीके से सोलर सेल की एफिशिएंसी वो घट सकती है और कॉस्ट बढ़ जाता है। वे फॉरवर्ड क्या है, क्या हमें करना है? तो हमें करना यही है कि वैसे पॉलिसी बनी है, नेशनल सोलर मिशन भी है और सोलर अलायंस भी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है और इंडिया इसमें काफी पहल कर रहा है। तो पॉलिसी तो है ही, फिर भी जहां भी संभव हो सके अभी नीड मोर एंड मोर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एक्सक्यूशन एंड प्लस ऐसे मेजर्स को लेना जिससे कि कॉस्ट कम हो जाए और ताकि ये क्या ये डोर टू डोर हर घर ये पहुंच सके। थैंक्स फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट।